तो जैसे ही पवनदीप चंपावत के लिए निकले थे, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अरुणीता साथ में ना जाए, और वैसा ही हुआ। अरुणीता पवनदीप के साथ में चंपावत गई थी, हालांकि फोटोज निकल के सामने नहीं आए क्योंकि इन दोनों की पर्सनल लाइफ भी है, और जैसे जब भी अरुणीता चंपावत गई है तो उनके फोटो निकल के सामने नहीं आए हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि अब ये दोनों कहाँ पे है, किन से मिले, किन से नहीं मिले। तो आपको बता दें कि आपको जैसे पहले अपडेट दी थी कि उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने पवनदीप को स्पेशली इन्वाइट किया था कि आप हमारे उपचुनाव होने वाले हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर हो, तो आप आइए कॉन्सर्ट कीजिए टनकपुर में। और पवनदीप के चंपावत से थोड़ी ही दूर टनकपुर है, तो ऐसे में पवनदीप अपने ही घर जा रहे थे। लेकिन तभी हमने आपको एक अपडेट दी थी कि क्या अरुणीता साथ में जा सकती है, और कहीं ना कहीं हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि अरुणीता साथ में जा सकती है, और ऐसा ही हुआ। अरुणीता भी साथ में गई सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए। वहां पर पहुंचे तो पवनदीप ज्योतिदीप राजन के साथ गाना गाते हुए नजर आए। लेकिन पवनदीप के जो माता पिता है, उनका ये महीना होता है पूजा पाठ करने का, और जो मन्नत उन्होंने मांगी थी वो काफी सारी पूरी भी हुई है। तो ऐसे में वो बाबा देवताल और बहुत सारे मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए गए हुए थे, यानी पवनदीप अरुणीता से वो नहीं मिल पाए। लेकिन पवनदीप अरुणीता दोनों चंपावत में ही थे, और चांदनीदीप राजन, ज्योतिदीप राजन और चांदनीदीप राजन के हस्बैंड भी पवनदीप अरुणीता से मिले। और ज्योतिदीप राजन और पवनदीप राजन ने आपको पता है कि टनकपुर में दोनों ने मिलकर कॉन्सर्ट भी किया। लेकिन आज जो अपडेट निकल के सामने आई है, पुष्कर सिंह धामी से, जो उत्तराखंड के CM है, उनसे पवनदीप मिले, उनके ऑफिस गए और उन्होंने अच्छे से स्वागत भी पवनदीप का किया, साथ में दोनों बैठे हुए नजर आ रहे थे, बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट डाला, उन्होंने लिखा, आज मुख्यमंत्री कार्यालय में चंपावत के लाल इंडियन आइडल द वॉइस ऑफ इंडिया के विजेता रहे प्रसिद्ध गायक श्री पवनदीप राजन ने भेंट की। मैंने उन्हें आगामी 31 मई को होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत चंपावत में मुझे अपना बहुमूल्य समर्थन देने हेतु आभार प्रकट किया। यानी पवनदीप को समर्थन लेने के लिए चंपावत में उपचुनाव होने वाले हैं, उसके लिए बुलाया गया था और पवनदीप भी पहुंचे थे। लेकिन मेन बात पे आते हैं कि पवनदीप अरुणीता कहां कहां घूम लिए। देखिए अभी इनकी कोई भी फोटो निकल के साथ में सामने नहीं आई है। देहरादून में आज पवनदीप थे, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी फोटो साथ में नहीं आई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी अरुणीता चंपावत में आती है तो स्पेशली अरुणीता के घर से तो मना ही रहता है कि कोई भी फोटो लीक ना हो या फिर कोई भी फोटो सामने ना आए। तो ऐसे में जैसे ये निकले तब भी कोई फोटो नहीं आई, और वहां पर जितनी दिन ये रहे, 2 दिन हो गए हैं, तब भी कोई फोटो नहीं आई। और आप सभी काफी ज्यादा पिछले 2 दिनों से पूछ रहे हैं कि भाई अरुणीता और पवनदीप आखिर गए कहां, क्योंकि कोई भी फोटो वीडियो इनके निकल के सामने नहीं आ रहे थे। फिलहाल आपको कितनी ज्यादा खुशी हुई कि ये दोनों साथ में है, चंपावत में है पवनदीप अरुणीता, कितनी ज्यादा खुशी हुई है कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इन दोनों ने दिखा दिया कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जहां भी जाएंगे वही साथ में जाएंगे। और पवनदीप कोलकाता गए थे अरुणीता के घर, और अभी अरुणीता पवनदीप के घर चंपावत में आई है। तो आप मुझे पता है काफी ज्यादा खुश हुए होंगे, क्योंकि आप यही चाहते हैं कि ये दोनों जल्द से जल्द एक साथ हो जाए। यानी वैसे एक साथ तो है ही, लेकिन कुछ फैंस ये भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी शादी हो जाए। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, बाकी और भी अपडेट आप तक पहुंचने वाली है कुछ ही देर में, क्योंकि अभी इनके काफी सारे वीडियो फोटो निकल के सामने आना बाकी है चंपावत से, और शायद अभी ये वहां पे रुकेंगे या फिर निकलेंगे, इसकी अभी पूरी जानकारी निकल के सामने आना बाकी है, कुछ ही देर में आपको बताते हैं। तो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं कुछ ही देर में।